ना भाई बाद में बाद में ये टेंपरेचर तो है नमस्ते आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल तसंग फान और मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा टीम मेंबर टीम रैपिड एक्शन फोर्स जितना होगा श्रीराम सर बताएगा आप सबको। और अभी रास्ता में डीसी सर भी आ रहा है और इस बारे में डीसी सर आप सबको क्या मैसेज देना चाहेगा तो आप सब भी डीसी सर जो मैसेज आप लोग को देगा प्लीज काइंडली कोऑपरेट कीजिए। आज हम लोग EPWD हाईवे इंचार्ज और यहाँ का पब्लिक मिलके ये यहाँ पे ये रोटुंग का नीचे में जो ब्लॉक हुआ है उसको विजिट किया गया है। तो ये कल को क्लाउड ब्रश होने के कारण ये यहाँ का रास्ता जो है बिल्कुल वॉश आउट हो गया है और ये रास्ता जो है अंदर मेंटेनेंस है तो इसको ध्यानचंद अग्रवाल बोल के एक फार्म है तो उन्होंने इसका ये को कॉन्ट्रैक्ट को लिया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट अराउंड 6 करोड़ है। तो हम लोगों ने फार्म को ये पतापत रेस्टोरेशन वर्क को जल्दी करने के लिए बोल दिया है। तो मेरे ख्याल से वो लोग कल से ही मेन एंड मशीनरी लगा के विद इन 2-3 डेज में रेस्टोरेशन को ठीक कर देंगे। तो मीन टाइम मुझे ये पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि लाइट व्हीकल्स जो रोटुंग से होके दामुक रोड से होके जाना है और वहाँ पे हैवी व्हीकल्स को अभी एलो नहीं। अभी हमारा टीम मेंबर रैपिड एक्शन फोर्स का बॉस ब्लॉक पॉइंट के बारे में थोड़ा आप सबको बोल के सुनाएगा एग्जैक्टली सिचुएशन अभी कैसे है। देखो यहाँ में ये जो ब्लॉक पॉइंट है ये बहुत साल पहले एक साल पहले ही ये गिर गया था। तो इसमें अभी हम लोग ने ये काम को जल्दी रेस्टोरेशन करेगा। वो जब छोटा था उस समय में स्लिप जोन जो छोटा था उस समय करेगा बोला है तो वो डिपार्टमेंट वाला बोला है हम लोग नहीं सकेंगे। ये कौन सा बुरा काम है हम लोग नहीं सकेगा और यहाँ का लोकल को कॉन्ट्रैक्ट वो देने दिल नहीं हो कि ये काम को तुम लोग नहीं सकेगा बोलते। इसके बाद में देखिए अभी 2 साल होने वाला है ये काम टेंडर किया है बोलता है अभी तो शुरू नहीं किया। अभी हम लोग बोलते हैं ये जो टेंडर वाला जो मालिक है अग्रवाल है अभी काल से शुरू करना पड़ेगा। काल से जब शुरू नहीं करेगा उसका टेंडर इसका वो कागज़ को या टेंडर को फार्म को ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा मांग है इसका साथ में उसको FIR करेगा काल तक नहीं आएगा FIR करना पड़ेगा हमको और उसका यहाँ का जितना पब्लिक का लाइबिलिटी इसको वो पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ में बार बार गिरते हैं ये देखिए हम लोग भी ये ऐसा तकलीफ करने दिल नहीं है रास्ता के बारे में करने दिल नहीं है। तो इसमें डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है ऐसा हो। अब इतना क्यों डिले किया बात वही है। तो हम ये वाला को मेनली जो कॉन्ट्रेक्टर है जो फार्म का मालिक है अग्रवाल है उसको बोल रहे हैं काल तक नहीं आएगा तो और सारा दुनिया सारा पब्लिक आ जाओ अग्रवाल को ढूंढो या मैं रास्ता प्रॉब्लम है बोलते पहले जैसा आप लोग जैसा पहले किया था ऐसा ढूंढ के ले गया जितना कम्युनिटी है यूनियन है सब आ जाओ आके अग्रवाल को आप लोग भी साथ में बात करो। हम लोग सिर्फ मेरा ये टीम सिर्फ बात करने से नहीं होगा आप लोग सब साथ देना पड़ेगा। वो पानी से गिरा है मैंने अब मेन स्ट्रीम लाइन ये है क्या ना काम है ये ना है ना ये तो जब वाल वहाँ में था ना जब रास्ता चल रहा था तो ये स्ट्रीम लाइन था अभी वो करते करते थोड़ा जब थोड़ा सा गिर गया था उस समय में रेस्टा करने से या में छोटा सा एम्बेमेंट देने से तो वो काफ़ी नहीं गिर गया ये इतना इसको कैसा 6 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा अभी ना भरा हो गया पहले तो बहुत छोटा था ना उसमें कैसा 6 करोड़ प्रोजेक्ट होगा पहले डोज भीतर का ये बनाने का उसमें DPR बना था उसमें 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था अभी ये तो 100 मीटर हो गया 50 मीटर हो गया ज़्यादा हो गया होगा।
यहाँ मैं अभी इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए यहाँ मैं इस जगह में फिलिंग करना है, यहाँ से फिलिंग करके वहाँ तक करना पड़ेगा। ये जो है स्ट्रीम लाइन यहाँ से था बोला जाने से, तो ये तो बुरा ही प्योरली कट के आया है ना यहाँ में है दाई। ये वाला ना, लेकिन यहाँ में लास्ट ईयर इसको रिटर्निंग वाल बनाने से तो ये पानी आने से भी नहीं गिरना था होगा। ऑलरेडी मांगे ना डबुल करा कि मैं रिटर्निंग वाला बा जाली को ले जाए तो मांगे ये ना डबुल डिपार्टमेंट इंप्रेस नहीं हुआ ना मैंने बोल चमो लो डिपिन चमो इधे मिलो इपुरे ना हद्दी बोलो हद्दी इमो ना तो आंचमो ना आगे लोग के मादी हद्दी आया पसाई मके डबुल करा कि दे हद्दी बोल उनको मांगे तो पब्लिक का ट्रैवल पा मांगे तो दिन उनको चमो लगिए मालूम तो मोनो तो कोलो को पोरा को इनको को कोला निता कोई लगी है बोलो तुम्हें इतना नाम लगा फीलिंग कितना करेगा फीलिंग नाम लगा तुमको जो समझ लगे जितना हो लिंग आए तो आज यहाँ में ब्लॉक पॉइंट में हमारा टीम डेप्यूटी एक्शन फोर्स यहाँ का ग्राउंड रियलिटी को विजिट करके आप सबको देखाया। और अभी टाइम टू टाइम हम लोग का बॉस और टीम टाइम टू टाइम नहीं कल से पूरा कंटिन्यू साथ रहेगा ना। हाँ कल से ना। हाँ तो और काम जैसे भी हो बहुत जल्द यहाँ में प्रोग्रेस होना पड़ेगा कल से। हाँ और अभी और कॉन्टेक्ट तो रहना पड़ेगा। आज आज बोल दिया हम लोग फोन से भी बात किया डी सी भी बात किया है और कल वो उसका वो जितना गाड़ी है यहाँ में रहना पड़ेगा और जितना सकेगा हम लोग वो दिन रात इसके साथ सुपरवाइज करेगा साथ देगा खोलने के लिए कोशिश करेगा। बात इतना है तो आज के लिए अपडेट बस इतना ही है तो बहुत जल्द आपसे मिलेगा नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।